नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे, मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य देख चुके थे। याद रखिए, मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी आपके लेक्चर बनते जा रहे हैं वो सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से, जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए। इसमें बात करते हैं जल संसाधनों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी देश की पांचवी बड़ी नदी है। याद रखिए, देश की पांचवी नदी बड़ी नदी है नर्मदा। इसका उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से होता है। याद रखिए, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक अनूपपुर से। इसका समापन की बात करें तो ये ख़त्म होती है खंबात की खाड़ी में जाकर मिलकर अरब सागर। ठीक है, याद रखिए, पूछा जाता है कई बार नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको बता देना है अमरकंटक अनूपपुर। और इस पूछेगा कि समापन कहाँ होता है, तो खंबात की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर। इसकी लंबाई पूछे तो बता देना 1312 किलोमीटर है। और अगर मध्य प्रदेश में इसकी बहाव क्षेत्र की पूछे तो बता देना 1077 किलोमीटर। ठीक है, टोटल किसकी इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में इसका बहाव क्षेत्र है 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ ये पॉइंट याद रखना है, कई बार पूछ लेता है कि नर्मदा नदी डेल्टा बनाती है, तो आपको बता देना है नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, टॉलमी ने नर्मदा को नामादोस कहा। नामादोस किसने कहा था नर्मदा को? टॉलमी ने। नर्मदा अन्य नाम है नर्मदा के, मध्य प्रदेश की गंगा, मैकाल सुता, सोमोदेवी तथा रेवा। ठीक है, नर्मदा के अन्य नाम है। आगे बात करें, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से गुजरती है। पूछा जा सकता है, कई बार पूछ लिया गया भी है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, तो आपको बता देना 15। कौन कौन से? अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर। ठीक है, ये याद रखना है। नर्मदा नदी मैदानी भाग में जबलपुर के समीप प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें नर्मदा नदी की, तो कुंदी है, शेर है, हेनी है, दूधी है, हथनी है, बंजर है, शक्कर है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कुंदी, शेर, हिरण, दुधी, हथनी, बंजर और शक्कर। ठीक, 12 नदियाँ बाएँ से, सॉरी 22 नदियाँ इसमें बाएँ ओर से और 19 नदियाँ इसमें दाएँ ओर से मिलती हैं। इस प्रकार 41 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब नर्मदा नदी पर जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में बात कर लें। रानी अवंती बाई परियोजना, बाई सागर वर्गी परियोजना, ये जबलपुर बिजौरा में है। याद रखिए, इसकी परियोजनाओं के बारे में पूछे तो आपको बताना है रानी अवंती बाई सागर, जो जबलपुर बिजौरा के पास है, वर्गी परियोजना भी इसे बोलते हैं। फिर दूसरी है सरदार सरोवर परियोजना, तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में संयुक्त रूप से, कौन सी? सरदार सरोवर योजना। इस पर 29 बड़ी, 135 मध्यम और 3000 छोटी योजनाएं निर्माणाधीन हैं। इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना एक खंडवा में पुनासा बांध है। ठीक, तो रानी अवंतीबाई सागर, सरदार सरोवर परियोजना और इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा
नदी की परियोजना है। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो कपिलधारा, दुग्धधारा, सहस्त्रधारा व भेड़ाघाट इसके जलप्रपात हैं। कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, कपिलधारा, दुग्धधारा, सहस्त्रधारा और भेड़ाघाट इसके जलप्रपात हैं। किनारे स्थित शहरों की बात करें, नर्मदा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर, खरगोन, ओकारेश्वर, खंडवा और बुधनी, ठीक है। नर्मदा एवं सोन नदी एक दूसरे के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र से होकर बहती है। कहाँ कहाँ से? मध्य प्रदेश से, फिर उस गुजरात और महाराष्ट्र से। हरसूद बांध के डूबने से छनेरा गांव बसाया गया। सिंगलू समिति नर्मदा विवाद से संबंधित है, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। सिंगलू समिति किससे संबंधित है तो आपको बता देना है, नर्मदा विवाद से। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, दूसरी हमारी नदी है महत्वपूर्ण, चंबल। चंबल की बात करें तो महाभारत में बैठे थे, चंबल का वर्णन महाभारत में है कि राजा रतिदेव ने इसे उद्गमित किया था। चंबल नदी को प्राचीन काल में चर्मावती या धर्मावती नाम से जाना जाता है। इसके उद्गम की बात करें तो महू, इंदौर, जानापाव पहाड़ियों से इसकी 854 मीटर ऊंचाई से ये उद्गमित होती है। समापन की बात करें तो इटावा में यमुना नदी में मिलती है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसका उद्गम होता है महू, इंदौर, जानापाव पहाड़ियाँ और इसका समापन होता है इटावा में यमुना नदी में। इसकी लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो छिप्रा, कालीसिंध, पार्वती और बनास है। यह उत्तर पूर्व की ओर बहाव है, इसका चंबल नदी का उत्तर पूर्व की ओर बहाव है। नदी के जल द्वारा अवनालिका अपरदन के से भिंड मुरैना के निकट गहरी खाइयां हैं, ठीक है। पूछा जाता है कि अवनालिका अपरदन के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार है, तो ये याद रखना, चंबल नदी। इस पर चंबल नदी पर परियोजनाओं की बात करें तो आपकी राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध मंदसौर में, ये चंबल नदी पर। फिर राणा प्रताप सागर तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जवाहर सागर ये कोटा राजस्थान में है। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो इस पर चार परियोजनाएं, कौन कौन सी? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और चंबल परियोजना, ठीक। इसके किनारे स्थित शहरों की बात करें तो रतलाम, श्योपुर और मुरैना है, ठीक। चंबल नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा बनाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है, ठीक। बात करते हैं हम लोग बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव में होता है और इसका समापन होता है हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है, ठीक। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो धसान और बीना है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है, याद रखिए, मध्य प्रदेश की। किनारे स्थित शहरों की बात करें तो अशोकनगर, ओरछा, गुना, सांची, विदिशा, चचोड़ा ये सभी बेतवा नदी के किनारे शहर हैं। परियोजनाओं की बात करें तो माता टीला बांध महारानी लक्ष्मीबाई सागर से बोलते हैं, भांडे नहर, दतिया ग्वालियर भिंड, हलाली नहर, रायसेन विदिशा, ये सभी इस पर परियोजना है। बेतवा नदी पूर्व से उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। फिर हमारी सोन नदी,
सोन नदी के बारे में याद रखना, इसका उद्गम होता है सोन नदी का अमरकंठक अनूपपुर से, इसका समापन होता है पटना के निकट गंगा में। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, याद रखना। वर्तमान में बिहार के दीनापुर के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहती है। सोन नदी किन किन राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में। सोन नदी की सहायक नदियां हैं जोहिला, गोपद, रिहंद। परियोजना की बात करें तो बाणसागर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है। त्रिभुज बांध है इस पर देवलोक शहडोल में बनाया गया है, ठीक। सोन नदी को सोन, सुवर्ण, सोनभद्र, हिरण्यबाहु महानद, सोन नदी के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी की बाढ़ अधिक विनाशकारी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी ये क्षिप्रा नदी, इसका उद्गम की बात करें तो इंदौर काकड़ी वर्डी पहाड़ी से होती है इसकी उद्गम। और समापन होता है उज्जैन रतलाम मंदसौर में बहते हुए चंबल में। क्षिप्रा चंबल में मिलती है, ठीक है। इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। उज्जैन इसके किनारे बसा शहर है। खान व गंभीर सहायक नदियाँ इसकी सहायक हैं। समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा क्षिप्रा तट उज्जैन पर हुआ था। मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा को, याद रखिए। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को। फिर हमारी ताप्ती नदी, कौन सी? ताप्ती नदी, ये बैतूल जिले की मुलताई तालाब से निकलती है, ठीक है। समापन होता है नर्मदा के समांतर बहती हुई मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा निर्धारित करती हुई सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। इसके किनारे बसे शहरों की बात करें तो बुरहानपुर सूरत है। इसकी सहायक नदियां हैं ताप्ती की पूर्णा, बागुड़, गेंडा, बोरी, सिवा, ककरा पारा व उकई। परियोजना गुजरात में। ताप्ती नदी ने भैंसा देही पठार पर बीड़ों का निर्माण किया। नर्मदा एवं ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। फिर है हमारी तावा नदी। तावा नदी का उद्गम पचमढ़ी महादेव पर्वत से होता है। इसका समापन होता है होशंगाबाद नर्मदा नदी में मिल जाती है। किनारे स्थित शहरों की बात करें तो तवा, पचमढ़ी, तवानगर और पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबा बांध तवा नदी पर ही 1322 मीटर होशंगाबाद जिले में है, ठीक है, याद रखिए। फिर है हमारी काली सिंध। इसका उद्गम हुआ है देवास के बागली गांव में। इसके समापन की बात करें तो शाहजहाँपुर व राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान में चंबल से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 150 किलोमीटर। इसके किनारे स्थित शहरों की बात करें काली सिंध के तो देवास और आपका सोनकच्छ। फिर है हमारी कैन नदी, कौन सी? कैन। कैन कटनी कैमूर से पन्ना व बांदा जिले में से होती हुई यह यमुना नदी में समाहित हो जाती है। कैन नदी, कैन नदी का प्राचीन नाम सुक्तमती देनावती था। फिर है वैनगंगा। इसका उद्गम सिवनी परसवाड़ा पठार से, और यह इस पर परियोजनाओं की बात करें तो अपर वैनगंगा संजर परियोजना वैनगंगा नदी पर है। वैनगंगा का अन्य नाम है वेवा और दीदी है। महाराष्ट्र की वर्धा नदी से इसका संगम प्राणहेता कहलाता है। वैनगंगा दक्षिण मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। वैनगंगा दक्षिण मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है, याद रखिए। फिर बात करें, अगली है टॉन्स नदी, कौन सी? टॉन्स नदी। टॉन्स नदी सतना जिले के मेहर में कैमूर पहाड़ी से निकलती है और इसका समापन रीवा से होकर सिरसा के पास गंगा उत्तर प्रदेश में नदी में मिल जाती है। टॉन्स नदी गंगा में मिलती है, सहायक नदी इसकी। सहायक नदियों की बात करें गंगा इसकी टॉन्स की तो बीहड़ व बेलन है, ठीक है।
टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा है। फ्रैक कुंवारी नदी, इसका उद्गम है शिवपुरी पठार, भिंड जिले की लहार तहसील में होते हुए सिंध नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर है पार्वती नदी, इसका उद्गम है सीहोर जिले से, इसका समापन है चचौड़ा गुना से होते हुए चंबल में मिलती है। किनारे स्थित शहरों की बात करें तो आष्टा, राजगढ़ और शाजापुर है। फिर है कूनो नदी, तो इससे पूरी पठार से निकलती है और चंबल में मिलती है। कूनो 180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखना कूनो नदी शिवपुरी पठार से निकलती है और चंबल में मिल जाती है, 180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बात करते हैं कुछ स्मरणीय तत्वों के बारे में, महत्वपूर्ण तत्व। मालवा की गंगा छिप्रा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों के बीच विभाजक रेखा का कार्य करती है। मध्य प्रदेश में प्रभावित होने वाली नदियां प्राय द्वीपीय नदियां हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंतर से दो नदियां नर्मदा और सोन का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी के किनारे स्थित बड़े बड़े खंडर दस्युओं के लिए आश्रय स्थलीय, डाकुओं के लिए। मध्य प्रदेश की नर्मदा एवं ताप्ती नदी डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में चंबल, सोन, कैन बेतवा शामिल है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। महाकवि केशवदास के लिए बेतवा का तट आकर्षण कपिधान केंद्र था। उन्होंने अपनी कृति रसिक प्रिया में उन्होंने इसकी महिमा का गान किया है। तमसा का उल्लेख मत्स्य पुराण, वाल्मीकि रामायण, वामन एवं वायु पुराण में भी हुआ है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में सोन नदी को सुबागदी कहा गया है। मेघदूत में कालिदास ने चरमावती का उल्लेख किया है चंबल का। बेतवा नदी का उल्लेख बाणभट्ट ने कादंबरी एवं कालिदास ने मेघदूत में किया है। नर्मदा नदी का अपरिभाषित 93,180 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। यह नदी महाराष्ट्र में भी बहती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक संक्षिप्त वर्णन है, ठीक है, नर्मदी जी नदियों का मध्य प्रदेश की। ठीक है, इनके ये नदियाँ हो गई आपकी, उद्गम स्थल हो गए, अंतिम स्थल हो गए, लंबाई हो गई, जो तथ्य हैं आपको याद रखना है वो है नर्मदा नदी। इसके अन्य नाम है मेकालसुत्ता, सोमोदेवी, रेवा, नामोदेश। इसका अमरकंठक से होता है उद्गम, अनूपपुर से खंबात की खाड़ी में मिलती है। 1312 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 है, 1070 किलोमीटर। इसकी दिशा है पूर्व से पश्चिम। इसकी सहायक नदियां हैं ताबा, कुंदी, शक्कर, ऊँटी, हथनी। 41 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं और मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवाहित होती है। फिर है चंबल, धर्मावती बोलते हैं, इसका उद्गम है जानापाव महू या यमुना इटावा के पास मिल जाती है यमुना नदी में। इसकी लंबाई है 965, दिशा है पश्चिम से उत्तर तथा अंततः पूर्व। सहायक नदियों में काली सिंध, छिप्रा, पार्वती है। फिर है ताप्ती नदी, तो इसकी उद्गम है जो मुल्ताई बैतूल से। इसका अंतिम स्थल है खंबात की खाड़ी। इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। इसकी दिशा है पूर्व से पश्चिम। सहायक नदी है पूर्णा। फिर है सोन नदी, तो ये अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और गंगा से दीनापुर के निकट बिहार में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर फिर पूर्व। सहायक नदियाँ हैं जोहिला और रिहंद। फिर है बेतवा,
जिसे वैत्रावती कहते हैं, ये निकलती है कुम्हरा गांव और रायसेन से और यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। भालकुंड जलप्रपात इसी पर है, विदिशा सांची इसी के किनारे स्थित है। फिर है हमारी छिप्रा नदी। कौन सी? छिप्रा। ये निकलती है काकरीवाड़ी इंदौर से, चंबल में मिल जाती है। 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है, उज्जैन महाकालेश्वर स्थित इसी के किनारे है। फिर है तावा नदी। ये निकलती है महादेव पर्वत पचमढ़ी से, नर्मदा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 172 किलोमीटर। तवा बांध होशंगाबाद में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लंबा बांध है, ठीक है, याद रखना, तावा नदी पर। फिर है सिंध। ये सिरोंज गुना से निकलती है, चंबल में मिल जाती है। फिर पार्वती सीहोर से निकलती है, चंबल में मिल जाती है। कूनो ये आपकी शिवपुरी से निकलती है, चंबल में मिल जाती है। वर्धा वर्धन शिखर मुलताई से निकलती है, वैनगंगा में मिल जाती है। शक्कर ये अमरवाड़ा छिदवाड़ा से निकलती है और नर्मदा में मिल जाती है। वैनगंगा परसवाड़ा सिवनी से निकलती है, गोदावरी में मिल जाती है। कुमारी ये शिवपुरी से निकलती है, सिंध में मिल जाती है। गार ये लखना सिवनी से निकलती है, ठीक है। ये थी हमारी प्रमुख नदियाँ। अब बात कर लेते हैं हम लोग नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में, ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं। ये नदियाँ हो गई आपके किनारे बसे शहर, तो नर्मदा इसके किनारे बसा हुआ है अमरकंटक नगर, ठीक है। नर्मदा के किनारे होशंगाबाद भी है, नर्मदा के किनारे नेमावर पुनासा भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर है आपका महेश्वर भी नर्मदा नदी के किनारे ही है। धारवी नर्मदा नदी के किनारे है। निवाड़ मंडला बड़वा है नर्मदा किनारे, मंडलेश्वर भी है। झाबुआ भी नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर भी नर्मदा नदी के किनारे है। नरसिंहपुर भी नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। फिर हांडिया ये भी नर्मदा किनारे है। ओकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे है। बड़वानी भी नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। फिर पार्वती नदी के किनारे की बात करें तो याद रखना आष्टा साजापुर और राजगढ़, ये तीनों पार्वती नदी के किनारे हैं। चंबल की बात करें तो चंबल के किनारे हैं महू मुरैना रतलाम शिवपुर, ठीक है। बेतवा की बात करें हम लोग, बेतवा के किनारे हैं सांची गुना ओरछा विदिशा। और ताप्ती के किनारे आपका है बुरहानपुर मुलताई, ठीक है। तवा नदी के किनारे पचमढ़ी और तवानगर। और टोंस नदी के किनारे है सतना, ठीक है। फिर है बैनगंगा, बैनगंगा नदी के किनारे है बालाघाट। कालीसंध नदी के किनारे हैं सोनकच्छ और बागली, ठीक है। सिंध नदी के किनारे है दतिया और शिवपुरी। छिप्रा नदी के किनारे आपको पता ही है उज्जैन है। विछिया नदी के किनारे है रीवा। खान नदी के किनारे हैं इंदौर। माही नदी के किनारे है धार और सिवना नदी के किनारे मंदसौर, ठीक है। ये थे हमारे प्रमुख नगर और जिन नदियों के किनारे बसे हैं वो। अब बात करेंगे हम लोग प्रमुख जलप्रपातों के बारे में, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रमुख जलप्रपात। तो ये जलप्रपात हैं और नदियां व स्थान हैं। तो सबसे पहले धुआंधार जलप्रपात, तो ये नर्मदा नदी के किनारे है जबलपुर में, ठीक है, भेड़ाघाट। फिर है दुग्धधारा जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है अनूपपुर में। धुआंधार कहाँ है? नर्मदा नदी पर जबलपुर के पास। और दुग्धधारा ये अनूपपुर में है नर्मदा। मंदार जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी के किनारे है। हंडिया वड़वाए की मध्य ओंकारेश्वर में। कपिल जलधारा प्रपात ये नर्मदा नदी के किनारे है अनूपपुर में। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर खरगोन में। दर्दी जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी के किनारे है हंडिया वड़वाए के मध्य ओंकारेश्वर में। भालकुंड जलप्रपात सागर में है बीना नदी के किनारे। डचेस्ट फॉल जलप्रपात ये पचमढ़ी में है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के पास।
अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के पास। तो रजत जलप्रपात पचमढ़ी में है, ये भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के पास। वी फॉल इस भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के पास ही है। पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर है, इंदौर में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, मंदसौर में। राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर है, जो सागर में। झाड़ी दाहा जलप्रपात इस चंबल नदी पर है, इंदौर के निकट। शंकर खो जलप्रपात जामनेर खौनी अभ्यारण्य के पास है। बहुटी जलप्रपात बीहड़ रीवा के निकट है। चचाई जलप्रपात बीहड़ में नदी पर, रीवा में। पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट है। केवटी जलप्रपात बीहड़ में नदी पर है, रीवा में। पियावन जलप्रपात रीवा के निकट। पूर्वा जलप्रपात रीवा के निकट। विलोही जलप्रपात रीवा के निकट। ठीक है। मध्य प्रदेश की गंगा को लेकर नर्मदा व बेतवा नदी का पर विवाद है। इस प्रश्न का मानक उत्तर नर्मदा है, क्योंकि गंगा होना उसकी पवित्रता एवं धार्मिकता का द्योतक है, ना कि प्रदूषण का। इस आधार पर नर्मदा ही मध्य प्रदेश की गंगा है। यही तथ्य मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी की पुस्तक में दिया गया है। इसके आधार पर हम कानूनी तौर पर आयोग के समक्ष इस पुस्तक को सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। हालांकि सामान्यतः पुस्तकों में बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा लिखा गया है। याद रखिए, आपको नर्मदा याद रखना है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख नदियां और उन पर बने जो बांध, उन्हें देख लेते हैं। तो नर्मदा सागर या इंदिरा सागर, ये नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। गांधी सागर ये चंबल नदी पर बना हुआ है। जवाहर सागर ये भी आपका चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर ये भी चंबल नदी पर है। याद रखना, गांधी, जवाहर और राणा प्रताप सागर ये सभी चंबल नदी पर है। वारना बांध ये वारना नदी पर है। राजघाट बांध ये बेतवा पर है। तवा बांध ये तवा नदी पर है। वाणसागर बांध ये सोन नदी पर है। बरगी बांध ये भी नर्मदा पर है। ओकारेश्वर बांध ये भी नर्मदा पर है। प्रमुख नदियों की प्रवाह दिशा, प्रमुख नदियों की प्रवाह दिशा किस दिशा में ये बहती है। ठीक, तो इसमें याद रखना है आपको, प्रवाह की दिशा हो गई, ये नदियाँ हो गई मिलन स्थान। तो पूर्व उत्तर में बेतवा ये चंबल में मिलती है, पश्चिम में नर्मदा ताप्ती ये खंबात की खाड़ी में मिलती है, दक्षिण में बैनगंगा ये वर्धा में मिलती है, उत्तर में चंबल कैन तावा यमुना चंबल नर्मदा में मिलती हैं। ठीक है, तीनों याद रखिए। तो ये हमारा छठवां चैप्टर था, जल संसाधन। अब बात करेंगे अगले में, सातवें चैप्टर में, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। ठीक है।